हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं मैकावर की स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीटी यूपी के हैं, एकेटी यू के हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के हों या फिर किसी अन्य बोर्ड से हों, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है उसको हम बात करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट आज 31 तारीख को सुनवाई करने वाला था, उसमें क्या चीज़ हुआ और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है UGC न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक टली, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर अभी कोई फैसला नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो आज की सुनवाई होने वाली थी उसमें जो है अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी फैसला जो है 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। और ये क्यों टाला गया है इसके बारे में हम यहाँ डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने UGC की 6 जुलाई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली और कोरोना महामारी को देखते हुए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 10 अगस्त के लिए टाल दिया है। ठीक है, यानी कि 10 अगस्त तक के लिए आप लोगों की जो सुनवाई है उसको टाल दिया गया है। ये क्यों टाला गया है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की अर्जी पर सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी UGC की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा गया था। यानी कि जो 6 जुलाई को आप लोगों का रिवाइज गाइडलाइन आया था उसमें जो कहा गया था कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के 30 सितंबर तक के पहले पहले एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है UGC का कहना है कि फाइनल ईयर परीक्षा आयोजित करना जरूरी है, उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये UGC का मानना है कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कराए जाने चाहिए, उसको रोकना उचित नहीं है। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों की 31 छात्रों ने दायर की है याचिका। तो मैंने आपको बताया था कि 31 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक समूह है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी रिवाइज गाइडलाइन के खिलाफ। तो वहाँ पे है, ये सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उसको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि इन याचिकाओं में देश में फैली कोरोना बीमारी का हवाला दिया गया था। मांग की गई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के मामले में अब तक आयोजित हो चुकी परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकनों के औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया था, वैसा ही इस मामले में भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से CBSE को प्रमोट किया गया था वही सेम प्रोसेस करके यहाँ पे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए, इस तरह की मांगें जो हैं इन सारे स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। तो दोस्तों, फाइनली ये है UGC के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज UGC ने कहा है। UGC ने कहा है कि किसी भी को ये धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है। छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, आज जो है सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है, किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी जो प्रिपरेशन है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप नहीं करनी है और उनको जो है उनकी तैयारी को जारी रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली जो 10 अगस्त को यहाँ पर जो सुनवाई होगी उसमें क्लियर कट यहाँ पर पता चल जाएगा कि किसके फेवर में यहाँ पे जो सुनवाई है वो आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।